आयुर्वेद हमने शारीरिक क्रियाओं को तीन भागों में विभक्त किया है, वात, पेट, कफ। वात वो एनर्जी, वो शक्ति है जो कि शरीर के संचालन की क्रिया में उद्यत रहती है, हमेशा लगे रहते हैं। हमारी जितनी भी फिजिकल मेंटल मूवमेंट्स होती हैं ये सब वात के द्वारा होते हैं। हम चलते हैं, हंसते हैं, उठते बैठते, हार्ट बीट करता है, आँख पलकें झपकती हैं, ये सब क्रियाएं आपकी वात के द्वारा होती हैं। इसी प्रकार मानसिक जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो विचार ट्रैवल करते हैं, जो क्रियाएं सेंसरी और मोटर क्रियाएं होती हैं, ये सब वात के द्वारा होती हैं। दूसरे शब्दों में वात ही हमारे रियल शरीर का संचालन करता है। जितनी भी चलायमान चीज़ें हैं सब ये वात के द्वारा ही होती हैं, वात के द्वारा ही संभव है। दूसरी एनर्जी पित्त। पित्त वो एनर्जी है जो कि बाह्य भोजन को हमारे शरीर के अनुरूप लगाने के लिए, शरीर के अनुरूप बनाने के लिए एक अग्नि, एक शक्ति की जरूरत होती है जो कि पित्त के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। हम जो कुछ भी खाते हैं इसमें सारी क्रियाएं इंटेस्टाइन में, लीवर में, पैनक्रियाज में, ये सब क्रियाओं को कराने वाला पित्त है, वहां तक ले जाने वाली बात है। अगर पित्त अपने कार्य पूरे ढंग से ना करें तो जो कुछ भी हम खाएंगे वो पूरी तरह पचेगा नहीं, उसका कन्वर्शंस नहीं होगा, उसका बदलाव नहीं होगा और वो हमारे शरीर में उस सूक्ष्म रूप में, जिस रूप में हमारे शरीर को जरूरत है, हमें प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है। तीसरी शक्ति हमने बाह्य भोजन लिया, बाहर से अपने शरीर का पालन करने के कुछ लिया, इसमें कन्वर्शंस हुई, कन्वर्ट होने के बाद ये एक रस के रूप में शरीर में जाना शुरू होता है। वो रस जिस समय शरीर में धातुओं के रूप में प्रदत्त होता है, रस से रक्त, रक्त मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये सब जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये सब कफ के अंदर आते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कफ ही जो एनर्जी के रूप में जो हमारे शरीर में विद्यमान है वो कफ ही है। कहीं पर आपको बहुत तरल पदार्थ की जरूरत होती है, कहीं पर म्यूकस की जरूरत होती है, कहीं पर उससे सॉलिड की जरूरत होती है, ये सब कफ के ही विभिन्न रूप हैं। अब शरीर की विकृति, शरीर में कोई भी विकार का उत्पन्न होना, इन तीनों एनर्जीज, इन तीनों जिनको हमने दोषों का नाम दिया है, दोषों का नाम इसलिए नहीं है ये दोष है, नहीं ये गलत कार्य करते हैं, नहीं, इसलिए कि एक सांसारिक प्रवृत्ति होती है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो गलत होता है, जो दूषित होता है, जो दोष होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के इसका नाम दोष दिया, ताकि हमारा टोटल फोकस, टोटल दिमाग, टोटल बुद्धि इसकी तरफ हमेशा लगी रहे कि हमें वात पित्त कफ के ऊपर ही ध्यान देना है। अब इन तीनों एनर्जीज के ऊपर, इन तीनों शक्तियों के ऊपर, चाहे कोई भी नाम दे दीजिए, ध्यान देने मात्र से ही हम शरीर में हर विकार का बड़े आराम से सामना कर सकते हैं।
क्योंकि इन तीनों चीज़ों में विकृति पैदा होना ही हमारी बीमारी का कारण होता है। अब आपके शरीर में कोई विकार पैदा हुआ, हमने कुछ केमिकल के जरिए उस विकार से उत्पन्न लक्षणों को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब लक्षण तो दब गए, आपकी रिपोर्ट्स लक्षण के दबने से नॉर्मल आ गई, परंतु क्या आपको लगता है कि आपकी बीमारी, आपकी वो जो इसकी जड़ है, वो अंदर से ठीक हो रही है? क्या आप इस लेवल पे सोचा कभी? नहीं। हम इस टाइम दुधारी तलवार के बीच में झूल रहे हैं। कैसे? एक तो हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी पैदा हुई, हमारे शरीर को उस बीमारी से लड़ रहा है। दूसरा, हमने केमिकल्स अपने शरीर के अंदर डाल दिए, जिसके डालने मात्र से क्या हुआ, उसका कहीं ना कहीं जाके दुर्प्रभाव होता है। किसी ना किसी ऑर्गन, किसी ना के हर सेल में जाके ये कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव करते हैं, जिनका हमें एकदम शायद पता ना चले, पर आने वाले समय में ये दुष्प्रभाव ही हमें डिफरेंट बीमारियां, डिफरेंट रोग, हालांकि इसका असर हमारी जीन्स पे भी होता है और हमारी जीन्स में भी विकृतियाँ आनी शुरू हो सकती हैं। कुछ समय तक तो हमें इसका ज्ञान नहीं होता, पर धीरे 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 करते हुए हमें दोनों तलवारों की धारों के ऊपर चलना पड़ता है। एक तो अंदर से बीमारी बढ़ रही होती है, दूसरे हमारे अंदर जो केमिकल्स पैदा हो चुके हैं, जो केमिकल भर चुके हैं, हमें उससे लड़ना पड़ेगा। अब जब तक आपकी क्षमता है, आप उसका सामना करेंगे, बीमारी का भी और इन केमिकल्स का भी। जिस टाइम शरीर एक लेवल के बाद डाउन चला जाता है, क्षीण हो जाता है, तब ये दोनों बीमारी भी और केमिकल्स भी हम पर हावी हो जाते हैं और फिर उसको हटाने का कोई उपाय नहीं रहता। आपने कभी सुना होगा कि एक समय में जब राजा या महाराजा या कुछ ऐसे शासन होते थे, तो हम एकदम किसी चीज़ पे अटैक नहीं कर पाते थे, किसी राजा महाराजा पे अटैक नहीं कर पाते थे। हम उस समय हमारे ही जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को पैदा करते हैं जो कि आने वाले समय में उस शक्ति को, उस राजा महाराजा को क्षीण कर सके। जैसे एक एग्जांपल, हम विष कन्या को जन्म देते थे। विष कन्या का क्या होता है, हम उसके बचपन से ही उसको एक पॉइजन देना शुरू कर देते, धीरे धीरे करके वो पॉइजन उसके शरीर में फैलता रहता था, और जब वो उस राजधानी या कहीं भी जाके उस राजा के साथ, उस व्यक्ति के साथ उसका मिलन होता था, तो वो पॉइजन उसके शरीर में स्लो पॉइजन के रूप में भरता रहता था, और एक समय में क्षीण, इतना क्षीण हो जाता था शरीर कि या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी या वो कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता था। हम भी इसी प्रकार अपने शरीर को एक तो बीमारी से छीन कर रहे हैं, दूसरा इन केमिकल के जरिए से अपने शरीर के हर सेल को छीन कर रहे हैं, जिसका असर हमारे पर, हमारे आने वाले समय पे हमारी जीन्स पर पड़ेगा। उससे हमारी जीन्स आगे आगे थोड़ा सा विकृति होती रहेंगी, और उसके आगे आप स्वयं सोच सकते हैं। ओम शाम शाम शाम।